Right now, I am with Shri Kushal Patel of Axita Exports, Ahmedabad. He is one of the leading exporters of cotton in India. Kushal Bhai is a young, dynamic leader in the cotton industry, dynamic in terms of decision making and innovative thinking. Kushal Bhai ka abhi ek IPO bhi aa raha hai, aa gaya hai. In fact, it has already been oversubscribed. So, Kushal Bhai, starting with the IPO. IPO लाने का thought कैसे आया आपको? Because cotton industry में ये बहुत ही abnormal चीज है. Yes, actually we are the, I think as per my knowledge, we are the first one to outcome with the IPO of cotton ginning and exports. Right. There are few companies are listed in the textile sector. They are having the spinning and the weaving and the garment, but we, I think we are the first in the cotton ginning. That we are coming with the IPO. So actually right now textile sector, वो जो अभी जो textile sector का हम बोल सकते हैं कि जो scenario है वो थोड़ा negative है in terms of the finance, in terms of the banking. Maximum अभी जो last 2 years में जो मतलब banking में NPA है उसमें exports and textile sector का बहुत बड़ा उसमें portion है. So ये IPO का थॉट ऐसे आया कि वी आर प्लानिंग टू एक्सपांड विद सम इन एक्सपोर्ट्स विद सम अदर कॉमोडिटीज एंड वी आर प्लानिंग टू एक्सपांड फ्यूचर बिजनेस लाइक स्पिनिंग एंड वीविंग. सो वी आर डिस्कसिंग विथ अवर सी ए रिगार्डिंग द फंड्स कि ये फंड कैसे हम बैंकिंग से या NBFC से या कैसे कर सकते हैं for future progress, for future expansion. So we are discussing with our CA and other company CFO people. So they have suggested to outcome with the IPO. Okay, there is one segment BSC called BSC SME. जो small and medium enterprise वाली जो companies है उसमें हम एक initial public offer के साथ आ सकते हैं. उनका एक platform अलग है. तो इट विल टेक अराउंड जो प्रोसेस है वो 6 से 12 महीने का प्रोसेस है. तो वो आप प्लान कर करके एक आप फंड पब्लिक में से ला सकते हो. सो ऐसा तरीके से हमको एक ये जो थॉट आया और हमने उस पर काम करना शुरू किया. तो उस तरीके से जो जिसको अप्रोच करना था जैसे कि मर्चेंट बैंकिंग है हमारे जो भी ऑडिटर है तो उनसे कंसल्ट करके हम ये अभी रिसेंटली हमने 27 दिसंबर को IPO लॉन्च किया और 2 जनवरी को क्लोज हुआ. हमारा IPO ऑलमोस्ट 1.98 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ. इट नियरली अबाउट 2 टाइम्स. सो हमको वो ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा. और अभी जो कॉटन इंडस्ट्री में सब लोग है जो बैंकिंग में फंड अभी बैंक्स इतना इजीली नहीं दे पाती तो ये एक यूनिक वे है कि आप पब्लिक में जाके वो फंड लेके आप फ्यूचर एक्सपांशन के लिए यू यूज कर सकते हो. राइट, इट्स अ वेरी गुड थॉट बिकॉज इफ यू रियली विश टू ग्रो देयर आर डेफिनेटली अदर एवेन्यूज यू कैन एक्सप्लोर एंड IPO इज वन ऑफ देम. बट यू चूज के भाई आपने IPO लेके ट्रांसपेरेंसी का रूट जो चूज किया है ये एक बहुत अच्छी बात है बिकॉज कॉटन इंडस्ट्री में हमने जनरली देखा है पीपल डोंट लाइक टू बी ट्रांसपेरेंट. यस, बंद मुट्ठी बहुत रखना चाहते हैं. बट यू बीइंग at this age you choose to be transparent and open about your plans for the future, which is very good. Now I think congratulations for the IPO. Thank and best wishes for the future. And on one side, second side, the as you started with, the textile industry is not doing so well, the banking sector is not looking at it very favorably ke ye investment ke liye thoda abhi right time nahi hai textiles mein. aise mein aapne ye plans banaya तो आपको कुछ कॉटन में या टेक्सटाइल्स में कुछ अलग आप देख रहे हैं? डू यू सी अ वेरी गुड फ्यूचर इन टेक्सटाइल्स? एक्चुअली आई एम फ्रीक्वेंटली ट्रैवलिंग टू बांग्लादेश, चाइना एंड वियतनाम एंड अदर कंट्रीज. सो अभी रिसेंटली जो चाइना का मेरा बातचीत हो रहा है, दे आर स्टॉप द ऑल द इंडस्ट्री वो आर मेकिंग पॉल्यूशन. जो पॉल्यूशन वाला जो भी काम है वो लोग बंद कर रहे हैं. जैसे डाइंग हो गया, गारमेंटिंग में जो मेन है वो लोग बंद करवा रहे हैं. सो इंडस्ट्री इज डाइवर्टिंग, चाइना इंडस्ट्री इज डाइवर्टिंग टू सम वियतनाम, सम बांग्लादेश. सो वी आर सीइंग अ अपॉर्चुनिटी इन गारमेंट सेक्टर के वो डाइवर्ट तो कर रहे हैं लेकिन
इट विल टेक अनदर 5 to 7 years टू डाइवर्ट, बिकॉज इतना बड़ा सेटअप करना है, क्योंकि चाइना गवर्नमेंट एकदम से वो लोग जो भी इंडस्ट्री है अभी वो उनको नोटिस देके बंद करवा रही है. तो वहाँ की जो कंपनीज है दे आर लुकिंग फॉर द अदर कंट्रीज, तो वो लोग अभी वियतनाम और बांग्लादेश में शिफ्ट हो रहे हैं. बट एज पर माई नॉलेज इट विल टेक 5 to 7 years टू सेटअप, होल ट्रांजेक्शन विल टेक 5 to 7 years. सो वो इंडिया के लिए बहुत बेनिफिट है, बिकॉज इन इंडिया वी आर गेटिंग द लेबर एट द चीपर प्राइस. इसमें जो मेन लेबर का खर्चा है वो इंडिया में हमारा प्लस पॉइंट है, और प्लस पावर कंजप्शन. तो इंडिया में दोनों चीज़ जो है लेबर एंड पावर वो वेरी लो कॉस्ट है. तो वी आर लुकिंग द अपॉर्चुनिटीज इन गारमेंट सेक्टर, सो वी आर टारगेटिंग द नेक्स्ट अवर फ्यूचर एक्सपांशन इन द गारमेंट सेक्टर. राइट, दैट इज आल्सो द फेवर विद द गवर्नमेंट, बिकॉज़ द गवर्नमेंट इज आल्सो एनकरेजिंग यस ग्रोथ इन द गारमेंट सेक्टर. द लास्ट पॉलिसी वाज वेरी क्लियर अबाउट इट. That's very good. Now, how do you see the cotton season 2018-19? Crop के बारे में और price के बारे में, दोनों के बारे में आपके क्या view है? Okay. Cotton season, actually, the global scenario is very weak, very down. Okay. Because all over the world, apart from India, consumption उतना बढ़ नहीं रहा है. इंडिया में जो टेक्सटाइल अपना पॉलिसी है, जैसे स्पिनिंग सेक्टर में है, वीविंग सेक्टर में है, गारमेंट सेक्टर में है, वो इंडिया में इतना जो गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया है, इंसेंटिव दिया है, तो इंडिया में इतना एक्सपांशन हो रहा है. बट इफ़ यू लुक एट द सीनारी ऑफ चाइना, बांग्लादेश, वियतनाम, वहाँ पर इतना एक्सपांशन नहीं है, वहाँ पर इतना इंडिया के जैसा प्रोग्रेस नहीं है. एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड अभी जो यान में मंदी का माहौल बना है, गारमेंट सेक्टर में मंदी का माहौल बना है, जो वो देखते हुए जो वर्ल्ड लेवल में अभी जो न्यूयॉर्क करंटली चल रहा है 71-50 लेवल, तो वो अभी इसीलिए जो 77-78 लेवल से ब्रेक होके 71-70-150 लेवल पे आया, उसका हमारे को दो रीज़न मेन लगता है. एक तो जो यान में उनका जो प्राइस है वो बहुत ही नीचा है, उस हिसाब से कॉटन का प्राइस कहीं ना कहीं एडजस्ट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज स्पिनिंग इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं कर पाएगी. तो इसीलिए अभी जो 71-70-150 का लेवल है वो अभी ऐसा लग रहा है कि वो लेवल के स्टेबल होगा न्यूयॉर्क. और इंडियन कॉटन है, जो इंडियन कॉटन की हम बात करें तो अभी इंडियन कॉटन अराउंड 43,500 पर कैंडी जो शंकर का भाव ट्रेड कर रहा है, वो अभी जो हम बात करें कि ऑलमोस्ट वी आर नियर द MSP, जो अच्छा क्वालिटी कॉटन है वो 42,500 से 43,000 में उसका MSP है. तो इंडियन कॉटन ये लेवल जो है 42,500 से 43,500, तो वो एक स्टेबल रेंज है, वो एक सपोर्टिव रेंज है कि ये रेंज में हम ट्रेड कर सकते हैं. और अगर हम फ्यूचर की बात करें तो अगर न्यूयॉर्क से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है कि न्यूयॉर्क वही लेवल पे रहता है, तो इंडियन कॉटन मोर और लेस स्टेबल बिटवीन 42,500 to 44,000 का रेंज में वो स्टेबल रहेगा. और अभी जो चांसेस है कि न्यूयॉर्क 70 के लेवल के आसपास है, तो इम्पोर्ट चांसेस आर वेरी ब्राइट, क्योंकि वर्ल्ड जैसे वेस्ट अफ्रीकन कॉटन हो गया, US कॉटन हो गया, वो सब अभी अट्रैक्टिव लेवल पे ऑफर हो रहा है. तो मैनी इंडियन स्पिनर्स, साउथ इंडियन स्पिनर्स है ऑलरेडी बुक US कॉटन एंड वेस्ट अफ्रीकन कॉटन एट वेरी अट्रैक्टिव प्राइस. राइट, सो दे हैव एन ऑप्शन नाउ. यस, because US market is going down, so world basis is down. Yes. Compared to Indian cotton, it is out of parity, right? Yes. इसलिए export भी कम होगा आगे? Yes. Actually, we are looking the export in the starting season, we are projecting 6 million plus exports. Right. Okay. But right now, Indian cotton is almost 1200 to 1400 on. Good quality, like if we are considering Shankar 6 and MCU 5, we are almost 1400 on right now. So 1400 on other growths are very competitive for the Bangladesh and China and Vietnam market. So we are expecting now almost 1 million export down hoga kariban wo hoga, it's between 4.5 million to 5 million, 45 se 50 lakh gant ke beech mein export hoga. Abhi jo scenario hai वो देखते हुए ऐसा लग रहा है. और एक प्लस पॉइंट इंडिया के लिए वो है कि बांग्लादेश इज राउंड द ईयर मार्केट, 365 days मार्केट. सो बांग्लादेश जो शेयर है वो मेजर रोल प्ले कर सकता है कि हाउ दे आर लुकिंग फॉर इंडियन कॉटन. क्योंकि लास्ट आपने 3 साल का अगर आप डेटा स्टडी करोगे
तो ऑलमोस्ट वी आर एक्सपोर्टिंग मिनिमम 2 मिलियन बेल्स टू बांग्लादेश. लास्ट ईयर आई थिंक वी हैव एक्सपोर्टेड 25 लाख बेल्स अराउंड टू बांग्लादेश. सो बांग्लादेश का कैसे बाइंग आता है वो मेजर चीज़ है जो इंडियन कॉटन को अफेक्ट करेगा. बिकॉज दिस ईयर चाइना इज़ वेरी वेरी लेस, चाइना एक्सपोर्ट इज़ वेरी लेस एंड पाकिस्तान ऑल्सो एक्सपोर्ट इज लेस. स्टार्टिंग में पाकिस्तान थोड़ा J-34 का एक्सपोर्ट हुआ, फिर ये न्यूयॉर्क डाउन आ रहा है तो जो हमारा बातचीत हो रहा है पाकिस्तान में तो वो सब अभी US कॉटन पे बुक कर रहे हैं. okay. क्योंकि इंडियन कॉटन अभी एक्सपेंसिव है इसीलिए. तो इंडिया के 3 बड़े बायर हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना. चाइना उसमें से चाइना और पाकिस्तान आज पिक्चर में नहीं, आगे आएंगे, कितने आएंगे ये भी डाउट है. राइट, तो वी ओनली डिपेंड ऑन बांग्लादेश. वो अगर 2.5 मिलियन टू 3 मिलियन बेल्स अगर इंपोर्ट करता है इंडिया से, हाँ. और इंडिया को चूज करता है बिकॉज ऑफ लॉजिस्टिक एडवांटेज, हाँ. तो ही इंडियन प्राइसेस ऊपर जाने की उम्मीद है, तो ही समझो एक्सपोर्ट 5 मिलियन क्रॉस कर सकता है. हाँ, तो ही एक्सपोर्ट 5 मिलियन क्रॉस कर सकता है. बांग्लादेश के लिए एडवांटेज वो है कि जैसे बेनापोल बॉर्डर से बाय रोड एक्सपोर्ट होता है, सो दे विल गेट द कार्गो विद इन 10 डेज. तो वो उनके लिए एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर उनको इमरजेंसी में कार्गो चाहिए, कॉटन चाहिए, तो एक बाय बेनापोल वो उनको माल मिल जाता है. तो एक इंडिया के लिए भी एडवांटेज है कि हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और एक बांग्लादेश के भी लिए भी एडवांटेज है कि इतने मिनिमम टाइम में दे आर गेटिंग द कॉटन. सो लुकिंग दिस सिनेरियो हमको ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि हम बांग्लादेश 2 मिलियन तो एक्सपोर्ट कर लेंगे ये साल. फर्दर मोर वो बांग्लादेश से कितना बाइंग इंटरेस्ट आता है वो देखने का है फ्यूचर में आफ्टर द जनवरी मंथ. जनवरी का फर्स्ट वीक चल रहा है 2019. हाउ मेनी बेल्स हैव बीन एक्सपोर्टेड एज ऑफ योर आईडिया? एक्चुअली वो परफेक्ट मेरे पास कोई कैलकुलेशन तो है नहीं, लेकिन हमारा जो अभी जो आ रहा है कैलकुलेशन उस हिसाब से लास्ट ईयर से तो कम है एक्सपोर्ट. ओके, लास्ट ईयर से जो एक्सपोर्ट हुआ है उससे कम है. एक्चुअली परफेक्ट फिगर मेरे पास है नहीं तो मैं अभी आपको कुछ शेयर नहीं कर पाऊंगा. वंस यस, वो हमें नहीं मिलता है, हाँ. एक्सपोर्टर्स को इसीलिए भी हम थोड़े डिस्टर्ब हैं बिकॉज़ वो टाइमली मिलना जरूरी है. यस, एक्चुअली वी हैव रिक्वेस्टेड टू द चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड अदर अथॉरिटीज लाइक कस्टम डिपार्टमेंट ऑफ मुंद्रा. राइट, एंड अवर वी हैव अप्रोच थ्रू अवर कस्टम हाउस एजेंट. हमने मेल भी किए है, एक लेटर हेड पे रिक्वेस्ट भी डाला है कि आप हमको वीकली या मंथली या एवरी 15 डेज या इवन क्वार्टरली आप हमें जो भी अपना जो कॉटन है जो HS कोड है 5201 करके जाता है. right. तो जैसे J-34 हो गया, शंकर हो गया, MCU हो गया, वो 5201 HS कोड की कैटेगरी में जाते हैं. सो वो आप डेटा पब्लिश करो. वी आर नॉट डिमांडिंग द एग्जैक्ट डेटा कि J-34 कितना एक्सपोर्ट हुआ, कि शंकर कितना एक्सपोर्ट हुआ. HS कोड का डेटा, यस, इफ दे आर गिविंग द डेटा इफ HS कोड वाइज, सो वी आर गेटिंग द क्लियर आइडिया फ्रॉम द कस्टम डिपार्टमेंट. कस्टम इज द मोस्ट ऑथेंटिकेटेड डिपार्टमेंट टू गिव और रिलीज द डेटा फॉर द एक्सपोर्ट. करेक्ट, बिकॉज़ इट इज एक्चुअल. यस, यस, रिकॉर्ड दैट वी गेट. वेरी ट्रू. हाउ अबाउट द क्रॉप इन इंडिया एंड गुजरात? व्हाट डू यू सी फ्रॉम हियर? बिकॉज़ अरेबल्स आर लेस बाय अ ह्यूज मार्जिन कंपेयर टू लास्ट ईयर. के हिसाब से आपका तो जेनिंग भी है कड़ी में, तो फार्मर्स ने इतना माल रखा होगा कि हकीकत में ही माल कम है. एक्चुअली बीइंग अ जीनिंग इन कड़ी, तो कड़ी में प्रैक्टिकली जो भी हमारा अराइवल्स होता है कपास का वो मोस्ट ऑफ द आउट स्टेट से आता है. जैसे महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया और सम पार्ट ऑफ राजस्थान. तो ये 4 स्टेट से कुल मिला के कड़ी में अराइवल्स होता है. और लास्ट ईयर कड़ी में राउंड अबाउट टोटल 24 लाख बेल्स का प्रेसिंग हुआ था. दैट इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट सिंगल सेंटर इन द इंडिया टू प्रेस द 24-25 लाख बेल्स. सो अभी जो सीनारियो कड़ी में बना हुआ है वो हम देख रहे हैं कि अराइवल्स प्रॉपर हो नहीं रही है. जैसे मेरा कड़ी में 2 जीनिंग फैक्ट्री है. लास्ट ईयर दिसंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तीनों महीना मेरी दोनों फैक्ट्री और कड़ी की ऑलमोस्ट, कड़ी इज़ हैविंग मोर देन 100 जीनिंग फैक्ट्रीज. तो लास्ट ईयर जो 3 महीना है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो उसमें से 75+ फैक्ट्री, दैट मीन्स 75% फैक्ट्रीज आर रनिंग इन फुल कैपेसिटी, दैट इज 24 आवर्स. राइट नाउ अभी जो सीनारियो है, आई एम नॉट थिंकिंग मोर देन 4 or 5 फैक्ट्रीज आर वर्किंग 24 आवर्स. सो नॉट मोर देन 5% फैक्ट्रीज आर वर्किंग 24 आवर्स.
ऑलमोस्ट 80-85% फैक्ट्रीज आर वर्किंग ओनली 12 आवर्स. ओके, तो अभी जो सीनारियो है तो वो अराइवल प्रेशर बिल्कुल नहीं है. उसका एक रीज़न ये भी है, नॉट ओनली द क्रॉप शॉर्टेज, क्रॉप तो थोड़ा हमें शॉर्ट लग रहा है, बिसाइड्स दैट महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना में कई सारे नए सेटअप्स आ रहे हैं जीनिंग फैक्ट्रीज के, जैसे राजस्थान में भी आ रहा है. तो जो लोकल वहाँ का क्रॉप है, सो फार्मर्स आर सेलिंग इन द लोकल मार्केट, बिकॉज कड़ी में जो महाराष्ट्र से लेकर आता है वो पर ट्रक का करीबन 20,000 रुपया मिनिमम उनको ट्रांसपोर्टेशन लग जाता है, और कर्नाटक से आता है उनको लगभग 50,000 रुपया ट्रांसपोर्टेशन लग जाता है, 10-12 टन का माल आता है. तो लोकल भी जीनिंग नया बन रहा है कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तो कड़ी में उस हिसाब से अराइवल कम हो रहा है. तो दो रीज़न मेन है जो अराइवल शॉर्ट है. पर फार्मर्स भी होल्ड कर रहे होंगे माल? फार्मर्स हमारे हिसाब से जो है वो एक्चुअली वो जैसे बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग सीजन में हमने सुना था कि सब फार्मर पकड़ के बैठ गए हैं कि 1200 रुपये है तो ही बेचना है. लेकिन वो सबका थिंकिंग वो नहीं होता सेम, कि जैसे 1200 का रेट मिल गया उनको, 1200 मीन्स 6,000 रुपीज़ आई थिंक पर क्विंटल, तो सब ने बेच दिया. अगर 1200 होगा तो कोई लोग बोलेंगे कि 1250 या 1300 में बेचेंगे. ऑल पीपल, ऑल फार्मर्स आर नॉट सेलिंग एट द 1200 रुपीज़, क्योंकि हाँ यस देयर माइंड विल बी चेंज. सो हमारा तो वैसे ही प्रिडिक्शन है कि ऑलमोस्ट वी आर सीइंग कि जो सीजन में अपना अराइवल टच होता है 200,000 बेल के करीब, जैसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी में इतना अराइवल होना चाहिए, लेकिन ये साल ऑलमोस्ट वी आर लेस, 10-15% या 20% तक अराइवल लेस है. तो एक तो हम मान रहे हैं कि क्रॉप थोड़ा शॉर्टेज है, और थोड़ा वो भी बिलीव कर रहे हैं कि फार्मर ने होल्ड किया है. दो रीज़न है, लेकिन वो हम ऐसा मान के चले कि हर फार्मर ने पकड़ा हुआ है तो वो बात भी नहीं है, क्योंकि फार्मर को भी आज आगे पीछे पैसा चाहिए, कुछ ना कुछ वो चाहिए. तो अभी जो अराइवल्स आ रहा है 1,75,000 के करीब, जो भी प्लस और माइनस आप 5% गिन सकते हो, वो अराइवल अभी ये जनवरी में तो कंटिन्यू रहेगा. ओके, सो वी कैन सी द क्लियर पिक्चर बाय 30 जनवरी, ये मंथ के एंड में हम एक क्लियर पिक्चर आएगा कि कितना क्रॉप शॉर्टेज है, कि क्या अराइवल डाउन है, तो उसका मेन रीजन क्या है. ये क्लियर नहीं है, और हमको ऐसा लग रहा है कि 30 जनवरी के आसपास हमको थोड़ा ये पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि क्रॉप कितना शॉर्टेज है. क्योंकि हम ऐसा मान ले कि भाई MSP है, क्रॉप शॉर्ट है, तो फार्मर में ये होल्ड करके रखा है ड्यू टू गेटिंग हायर प्राइजेस इन द फ्यूचर. बट वो भी एक लिमिट होता है कि ऑलरेडी फार्मर्स ने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर होल्ड कर लिया है, तो अभी जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी उनका डाउन होता चला जाएगा. क्योंकि वो सभी फार्मर्स ऐसे नहीं होते कि वो 6 महीना या 8 महीना होल्ड कर सके. जो एक्चुअल पैसे वाले फार्मर्स हैं, जैसे हमारे सौराष्ट्र में कई बड़े फार्मर्स हैं, कई बड़े व्यापारी हैं, ट्रेडर्स हैं, वो लोग के पास अभी लैंड का पैसा, जो भी लैंड में अप्रिसिएशन मिला पैसे का, तो वो उनके पास पैसा है तो वो होल्ड कर सकते हैं. लेकिन वो इफ़ वी टॉक इन परसेंटेज वाइज, वो परसेंटेज में 2-5% ही फार्मर है. सब फार्मर्स ऐसे नहीं है कि सब होल्ड कर सके. 90% तो स्मॉल फार्मर्स ही है. हाँ, 90% तो स्मॉल फार्मर्स ही है. सही बात, उतना होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है और स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है. सही बात. थैंक यू कुशल भाई, थैंक यू वेरी मच. Cotton Guru, best wishes to you. Thank you. For the IPO, for your exports, and thank for you. The future plans of getting into garment. Thank you. Thank you very much.